अब हम आपसे चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी आपको स्टैंडर्ड 9 में था, उसी में से उन्होंने उसका ही कुछ पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी स्टैंडर्ड 9 का ही पोर्शन है। सो पी, उसके लिए वही रिकॉल करवा रहा हूँ, पी ऑफ ए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, जनरली हम ऐसे बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए एंड अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज टोटल आउटकम्स, राइट। चलिए याद रखते हैं, probability of event A equals to number of outcomes favorable to A, probability of event A equals to number of outcomes favorable to A upon number of all possible outcomes, यानी यहाँ पे आपको यही याद रखना है, favorable outcomes upon total outcomes या all possible outcomes, right? उसी तरह से देखना है। फिर आपको बताओ होगा, probability always lies between 0 to 1, यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 टू 1, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या तो 0 टू 1 के बीच में आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या लाइज बिटवीन 0 टू 1। देन नेक्स्ट, p ऑफ a प्लस p ऑफ a बार इक्वल्स टू 1, यानी ये ध्यान रखिए, ये इवेंट ए और ए बार याद है, इवेंट ए डज नॉट अकर्स, यानी इवेंट ए नहीं हो रही है, तो उसके लिए बोलेंगे p ऑफ a बार, राइट। सो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुई, क्या हुई इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मैं आपको यूज कैसे करना है वो बताऊंगा, अभी आपको उसकी फॉर्मूला याद रख लेनी है, p ऑफ a प्लस p ऑफ a बार इक्वल्स टू 1, दैट मींस टोटल ऑफ इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इन दोनों का टोटल कितना होगा 1। Then next, p of a equals to 1 minus p of a bar, ये plus opposite side minus, p of a bar equals to 1 minus p of a, अगर मुझे p of a चाहिए तो 1 minus p of a bar, और अगर मुझे p of a bar चाहिए तो 1 minus p of a, right? ये सभी याद रख लेने हैं। चलिए फॉर्मूला फिर से याद रखते हैं, probability of event a equals to, डायरेक्ट कितना याद रखेंगे, favorable outcomes, number of favorable outcomes upon number of total outcomes, yet number of all possible outcomes, number of all possible outcomes, right? Then probability always lies between 0 to 1, वो 0 और 1 के बीच में ही आएगी, अगर 0 होगी तो आपको पता होगा impossible है, और अगर 1 आएगा ना probability का answer, तो that is a sure event, यानी certain event, right? फिर p of a, p of a bar, it is event A, or it is probability does not occurs event A, event A occurs नहीं होती है, उसके लिए probability, so p of a plus p of a bar equals to 1, चलिए plus p of a bar opposite side minus, वैसे p of a bar equals to 1 minus p of a, clear? इस तरह से बनाना है, ये formula सब याद रख लेनी है, मैं इसमें आपसे सामी start कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं, इसकी थोड़ी characteristics है, लेकिन वो next lecture में देखेंगे, अभी तो पहले sums ही start करते हैं, आपका packet page number 15, class of question number 1, चलिए क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, अ बैग कंटेन अ रेड बॉल अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, देखिए बैग में कितने कितने बॉल है, ब्लू और रेड बॉल, यानी वन रेड बॉल, ऐसा बोल सकते हैं उसको, वन रेड बॉल, देन अ ब्लू बॉल यानी वन ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल यानी वन येलो, कितने बॉल्स इसमें है, ऑल द बॉल्स बीइंग द सेम साइज, नाउ कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, वो बैग में देखे बिना एक बॉल सिलेक्ट करती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट फर्स्ट येलो बॉल रेड बॉल और ब्लू बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे बॉल्स है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू 3, टोटल कितने बॉल्स है भाई 3, अब यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ, लेट इवेंट ए, पहले तो इसे एज्यूम कर लेंगे,
फर्स्ट नंबर लेट इवेंट ए किसके लिए अभी येलो बॉल के लिए सी टेक्स आउट द येलो बॉल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट मींस नंबर ऑफ येलो बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स या ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो भी देखेंगे वो सेम ही रहेगा. चलिए येलो बॉल कितने हैं भाई 1 एंड टोटल बॉल्स 3 सो आंसर वो 1 अपॉन आज हम बहुत सिंपल वर्क है कुछ इसमें करना नहीं है एकदम माइनर वर्क ही है. देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि भाई येलो बॉल सिलेक्ट हो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. मतलब यहाँ से सुनना सबसे पहले आपको टोटल आउटकम्स फाइंड कर देने हैं वन रेड वन ब्लू एंड वन येलो यानी कितने बॉल्स हुए 3 सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल्स टू 3. नाउ दैट यू हैड ए सी टेक्स आउट येलो बॉल so p of a equals to number of yellow balls upon total number of balls yellow balls के नंबर 1 so 1 by 3. चलिए वैसे आप बाकी के तो आप फाइंड कर सकते हो रेड बॉल के लिए. चलिए क्या लिखेंगे लेट इवेंट बी उसके लिए बी लिखेंगे राइट. चलिए बता देता हूँ एक और क्वेश्चन सेकंड नंबर लेट इवेंट बी सी टेक्स आउट The red ball. Red ball के लिए ही है ना? Yes. Okay. So यहाँ पे लिखेंगे P of B equals to number of red balls upon total number of balls. आधा समझ में? चलिए अब number of red balls कितने हैं भाई? 1. Total balls कितने हैं? 3. So probability is 1/3. Clear? Then next, third number, blue ball. So blue probability हम लिखेंगे let event C. अब वो आप find करोगे भाई. Let event C. C takes out the blue ball. So number of blue ball upon number of total number of balls. 1/3 answer E. Now next, question number 2. चलिए ये तो आप कर दोगे. अब question number 2 देखते हैं चलिए. A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. Red marbles. Right here. So, if a marble is drawn at a random from the box, what is the probability that it will be white? चलिए देखते हैं फर्स्ट पहले तो हमें एक बात ध्यान से याद रखना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखिए 3 + 2 + 4 3 + 2 5 + 4 9 है यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए भाई 9. अब उसमें पढ़िए अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स इफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स लिखेंगे तो भी चलेगा. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 + 2 + 4 दैट इज 9. इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट फर्स्ट लेट इवेंट ए मार्बल विल बी वाइट या तो इट विल बी So P of A equals to probability of event A equals to number of white marble upon total number of marbles या तो total number of outcomes.
राइट, यहाँ पे आउटकम्स की जगह पे मार्कर ही लिख देते हैं भाई। ओके चलिए, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, यहाँ पे व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं भाई? 9। सो आंसर हुआ 2/9। चलिए सेम अगर उन्होंने सेकेंड नंबर में क्या लिखा हुआ है ब्लू के लिए, तो आप क्या लिखेंगे? लेट इवेंट बी, इट विल बी ब्लू। सो BOP इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ब्लू मार्बल्स कितने हैं भाई? 3। सो 3/9, दैट इज 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9 एंड 1/3। अब अगर आपको रेड के लिए पूछा गया है तो लेट इवेंट सी, इट विल बी रेड। सो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 4/9। बोलिए क्लियर हो रहा है? इस तरह से फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भाई, ये समझ में आ गया ना? वैसे सम्स आपको यहाँ पे आगे करते ही जाते हैं, जो होंगे वो आपको होमवर्क में भी देता ही जाऊंगा। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आज हो सकता है तो 5-6 तक कंप्लीट कर देंगे। ओके देखते हैं। सो इसमें बाकी का क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी के 2 पॉइंट्स आप फाइंड करोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 सर्स ऑफ विच 88 आर गुड। देखिए अब एक कार्टून है यानी बॉक्स है जिसमें 100 सर्स है, उसमें 88 गुड्स, 8 हैव माइनर डिफेक्ट, 8 ऐसे है जिसमें माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। फोर ऐसे जिसमें मेजर डिफेक्ट है। जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शॉट व्हिच आर गुड, और जो अच्छे शॉट्स है वही वो एक्सेप्ट करता है। बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शॉट व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट, वो तो सिर्फ जो मेजर डिफेक्ट है वही रिजेक्ट करती है, बाकी सब एक्सेप्ट कर लेगी, माइनर डिफेक्ट वाले वो सब। राइट नाउ वन सम इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, what is the problem there? It is acceptable to Jimmy and it is acceptable to Sujata. पहले तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो बंदा बन लेते हैं। Total number of shots. That is 100. Then number of good shots. Equals to 88. Then number of minor defects that is 8, and number of major defects. अब ये पूरा इंफॉर्मेशन है, अब जो फाइंड करना है वो करते हैं। फर्स्ट नंबर लेट इवेंट ए, इट इज एक्सेप्टेबल बाय बाय जीनी। ओके सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू, देखिए जिमी कौन सा एक्सेप्ट करेगा, उन्होंने ऐसे कंडीशन लिखा हुआ है, और जिमी और ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शॉट्स व्हिच आर गुड, वो ओनली गुड शॉट ही एक्सेप्ट करेगा, यानी यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ गुड शॉट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शॉट्स। राइट चलिए देखते हैं, अब नंबर ऑफ गुड शॉट्स, जो अच्छे शॉट्स हैं वो कितने हैं? 88 अपॉन 100, दैट इज 0.88। चलिए अब इसी में सेकंड नंबर देखते हैं, अब क्या पूछा हुआ है? इट इज एक्सेप्टेबल बाय सुजा, लेट इवेंट बी, उसमें क्या लिखेंगे भाई? इट इज एक्सेप्टेबल बाय सुजाता,
ओके चलिए पी ऑफ डी अब ध्यान से सुनना सुजाता क्या एक्सेप्ट करेगी उन्होंने ऐसा बताया सुजाता ओनली रिजेक्ट दैट शर्ट व्हिच आर मेजर व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट यानी वो सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट से ही रिजेक्ट करेगी बाकी सभी एक्सेप्ट कर लेगी तो मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट से ही वो रिजेक्ट कर देगी यानी ये 4 नहीं लेगी बाकी ये दोनों को एक्सेप्ट करेगी यानी यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ गुड शर्ट्स प्लस नंबर ऑफ माइनर डिफेक्ट शर्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स भाई आ गया सुनने सो नंबर ऑफ गुड शर्ट्स प्लस नंबर ऑफ माइनर डिफेक्ट शर्ट्स एंड टोटल अमाउंट क्योंकि वो सिर्फ मेजर ही एक्सेप्ट नहीं करेगी मेजर डिफेक्ट वाले बाकी सभी वो एक्सेप्ट कर देंगे तो ये 88 और ये ए अपॉन 100 96 अपॉन 100 0.96 बोलिए क्लियर हुआ इस तरह से करना है ओके सो ये थर्ड नंबर भी कंप्लीट नाउ फोर्थ नंबर टू क्लियर देखिए अभी फोर्थ भी हो ही जाएगा वैसे का वैसा ही है बट आज 3 रखते हैं फिर दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ओके थैंक यू वेरी मच